मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदक्ष रथ अजर बिहारी सुनि लक्ष्मण के बैन तब बैन से बालक वीर अनुज विलोक हो जाए अब प्रबल महारण धीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता राम अनुज विलोक की वचन सुनी काना धनुष चढ़ाए गए गरबाना वेश विलोक बाल मुनि जाना निज कुल समझे करो मन माना निज सहाय छट आन बुलाई केवल तो ही नहते भलाई सुनि कछु कठिन बाण संधाना कापि पहुनी शेष अकुलाना छूटे विषय रहे नभ छाई मान भानु प्रतिबिंब छिपाई रिपुहि प्रबल लखि चला सकोपी तीव्र बाण छाड़े रथ रोपी काटहि विषहि विषहि सब भाई कौतुक करहि विविध खग राई झपटहि गदा लक्ष्मण तहि मारी गिरे भूमि कुछ मूर्छित भारी मूर्छित कुछ ही निहार कर धावा लव करी शोर आवत ही शरूर हनयो गिरा न मही बल जोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता कल्याण सीता राम मल्लयुद्ध दो भिरे प्रचारी लड़ी सक्रोध न मानही हारी लड़ी उपाय विपुल बल करही मारही भिरही विपुल सो भिरही मुष्टिक एक वज्र सम मारी विकल शेष मन सुमर कौशलाधीश खरारी मारे वान विकल लव डारी सुमर सिए मुनि चरण सुहाए गत मूर्छा कछु आतर आए विकल विलोक बंधु बड़ जानी चला वीर मन बहुत गलानी लक्ष्मण देख वीर वर शिवान धरिया गे धायो शुक्र जीत अरिहि शर मारे ते सब बालक काटिने वारे रामानुज विस्मित विकल देखि सकल आराती सिए त्याग और सोच बहु प्राण देओ प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता राम कुछ करी क्रोध विषख सोली ने मंत्र पेरी मुनि वर जोरी ने नाक रसातल भूतल माही सो शर छूट बचे गौ नाही मोहन वान जगत तही जाने विष्णु महेश ब्रह्म यही माने मारे ताकि शेष उर माही परयो धर्मी कल सुधि कछु नाही चले भाग सब अनिया पारा कौशलपुर मह परी पुकारा करनी सकल योध की वरनी लक्ष्मण विरथ बर दिनी धरनी भय किशोर
इशारा चले भरत उपजे और ज्वाला शोणित सरित समर विलो दशा
लक्ष्मण जी की ऐसी क्रोध पूर्वक बातें सुनकर लव कुश ने हंसकर उत्तर दिया कि हे प्रबल रणधीर, अब जाकर अपने छोटे भाई की दशा देखो। लव कुश की बातें सुनकर लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष बाण उठाया, लेकिन मुनि के बालक समझकर और उन्हें कुल की मर्यादा विचार कर मन में कुछ लज्जित हुए। जो तुम्हारी सहायता करने वाले हैं उन्हें बुला लो, तुम्हें अकेला मारने से क्या लाभ। ऐसा सुनकर कुश ने अपना बाण संभाला जिससे पृथ्वी कांपने लगी और शेष व्याकुल हो गए। उस समय इतने बाण छूटे कि सारा आकाश वह सूर्य भगवान भी छिप गए। शत्रु कुश को बलवान जानकर लक्ष्मण जी क्रोध कर चले और अत्यंत रोककर तीव्र बाण चलाने लगे। आपस में दोनों दौड़कर बाण से बाण काटते हैं, वे अनेकों कौतक करते हैं। इसी बीच में लक्ष्मण जी ने कुश से झपट कर एक गदा मारी जिसे कुश व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। कुश को मूर्छित देखकर लव ललकार कर दौड़े। तब लव के आते ही लक्ष्मण जी छाती में एक बाण मारे, लेकिन वह अपने प्रल के प्रभाव से पृथ्वी पर नहीं गिरे। फिर लव ने लक्ष्मण जी ललकार कर मल्ल युद्ध करने लगे। क्रोध में दोनों हार नहीं मानते, दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं, अपना दाम दिखाते हैं और लड़ते तथा घोर युद्ध करते हैं। फिर लव ने लक्ष्मण जी को एक मुष्टिक मारा जिससे वह विकल हो गए और मन में हार मान गए। फिर लक्ष्मण जी ने लव को वार मारा जिससे लव मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में ही कुश की मूर्छा जाती रही और वह मुनि व सीता जी के चरणों पर ध्यान दौड़े। तब भाई लव को मूर्छित देखकर लक्ष्मण जी पर क्रोध कर चले। तब उस श्रेष्ठ वीर को आते देखकर लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर उसके सामने दौड़े और मेघनाद जिस बाण से मारे थे वही बाण चलाए, लेकिन कुश ने सब बाणों को काट कराया। लक्ष्मण जी ने अपनी सारी सेना को विकल देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए और सीता जी को वन में छोड़ना सोच कर अपने मन में कहने लगे कि मैं इसी तरह अपना प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण जी इसी विचार में पड़े थे कि कुश ने क्रोध पूर्वक वह बाण धारण किया जिसे मुनि ने मंत्र प्रेर कर कुश को दिया था। वह बाण ऐसा था जिसे चलाने से कोई नहीं बच सकता था। वह ऐसा बाण था जिसे सारा संसार ब्रह्मा विष्णु महेश तक जानते हैं। उस महान बाण को कुश ने संभाल कर लक्ष्मण जी पर मारा जिससे लक्ष्मण जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर सब सेना भाग गई जिससे युद्धपुर में हाहाकार मच गया। युद्धकी का और सैनिकों ने आकर राम जी को हाल सुनाया। उन लोगों ने कहा कि हे प्रभु, जिस तरह सारी सेना का नाश हुआ सब अपने अपने आंखों से देखा। वह किशोर अवस्था वाले दोनों वीर बालक आपके ही सदृश हैं। उन्हें शेर पर काक पक्ष अति सुंदर मालूम होता है। वह इतने बलवान है कि कुछ कहा नहीं जाता। लोगों की ऐसी बातें सुनकर भरत जी दुखित हो नम्र वचनों से कहने लगे कि विधाता ने ये सीता त्याग का फल दिया है। भरत जी की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे भरत जी, बहुत जल्द घोड़े रथ तथा मत वाले हाथियों को सजाओ। यज्ञ भले ही रह जाए पर वैरियों दुश्मनों को देखिए, शायद वह रावण के दुखदायी पुत्र हों। श्री राम जी की ऐसी बात सुनकर भरत जी लज्जा गए। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत समझाया कि कहा, हे भाई, पहले आप हनुमान और अंगद आदि को बुलवा लो। भरत जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर अत्यंत क्रोध से सेना लेकर चले। रण में आकर देखते हैं कि खून की नदी बह रही है। शूरवीर अपने जीने की आशा छोड़कर क्रोध को रोक रहे हैं। उसी समय रणभूमि में सीता ने दोनों बालकों को आता हुआ देखकर वीर वानर भालू सर था थर कांपने लगे। तब हनुमान जी ने उन बालकों से पूछा, ये भाई, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, अब तुम लोग अपने घर जाओ। हनुमान जी को समान विमुख सुनकर लव कुश बहुत दुखित हुए और कहे, हे वीर हनुमान, सुनो, यदि तुम्हें बल नहीं है और तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी कायरता पर हमें तुम नहीं मारेंगे। इतनी बात सुनकर भरत जी बोले कि हे बालको, तुम अपने धनुष बाण संभालो। इसी समय वानर भालुओं का समूह कटकटाकर वृक्षों के समूह को उखाड़ और एक साथ ही मिलकर फेंके, लेकिन लव ने उन सबके तिल के समान काटकर भूमि पर गिरा दिया। दोनों भाइयों ने फिर घोर युद्ध किया और बांदरों के संग्राम में जीत लिया। तब सेना का नाश देखते हुए ब्रह्मा को उल्टा समझकर भरत जी समय भूमि में युद्ध करने के लिए आए। मन भूमि में मरे हुए घायल बांदरों को चटपटाते देख भरत जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने जामवंत, सुग्रीव, अंगद और हनुमान को बुलाकर युद्ध करने को भेजा। अंगद को देख कुछ ने कहा कि तुम युद्ध करने को आया है, तेरा बल तो संसार को विदित है। तब तुमने अपने माता पिता को मरवाकर दूसरे को दे दी, सब लाज गंवाकर युद्ध करने आए हो, उसका फल आज इस युद्ध में तुम लो और समाज का सारा कलंक छोड़ दो। कुश की बातें सुनकर अंगद जी क्रोध में भरकर एक पहाड़ लेकर ऊपर दौड़े। उस विशाल पर्वत को अपनी ओर आते देखकर कुश ने उसे अपने बाणों से तिल के समान काट गिराया और जैसा अंगद का गर्व था कुश ने वैसा ही किया। कुश ने क्रोध पूर्वक एक ऐसा बाण मारा कि अंगद व नील दोनों आकाश में उड़ गए। फिर पृथ्वी पर आते देख ललकारते हुए कुश ने पुनः ऐसा बाण मारा कि वह हवा में उड़ते हुए
हफ्ते की भांति आकाश में चक्कर काटते और पृथ्वी पर नहीं आते, क्षण भर में आकाश में जाते और क्षण में पृथ्वी पर आते हुए अत्यंत व्याकुल व त्राही त्राही पुकारने लगे, हे भगवान मेरी रक्षा करो। हे चराचर के स्वामी, मुझे गर्व था इसमें मैंने आपको ना पहचाना, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। ऐसी बात सुनकर कुश ने पांच बाणों से बांध लिया और हंसकर छोड़ दिया। फिर कुश भरत जी के सन्मुख चले, उनकी फुर्ती देखकर बानरों के होश उड़ गए। जामवंत व हनुमान आदि बहुत से बानर पर्वत और वृक्षों को लेकर कुश पर टूट पड़े। बानरों को आते देखकर श्रेष्ठ कुमार हंसे और छोटे भाई लव को समझाकर कहा कि आज रीछ बानरों को यहाँ से भगाकर भरत जी को युद्ध में जीत लूं।